Hey guys, welcome back to the channel. This video is all about strategy for maths for SBI Clerk 2020 and RBI Assistant 2020 mains के लिए. जैसे कि आपने इससे पहले GA की और reasoning ability की strategy discuss की थी, probably the best strategy. आज हम SBI Clerk 2020 के लिए maths की strategy देखेंगे कि कैसे preparation कर सकते हैं maths के लिए. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला था, अभी आपको mock test नहीं देने हैं, वो आपको देने हैं exam से. जब आपके एग्ज़ाम की डेट फिक्स हो जाएगी उससे एक महीने पहले देने हैं. ठीक है, उससे पहले आपके पास अच्छा खासा टाइम है अपने कंसेप्ट को और ब्रशअप करने का. ठीक है, तो हम आपको देखेंगे आज आपके डेली टारगेट्स क्या रहेंगे जिससे आप अपनी इस प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं. और मैं आपको ये भी डिस्कस करूँगा कि उसके लिए बेस्ट सोर्स क्या होने चाहिए. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपके डेली टारगेट्स क्या रहेंगे, उसके बाद मैं आपको सोर्स बताऊँगा आपको करना कहाँ से है. आपको DI के डेली चार सेट करने हैं, इसमें से एक कैसलेट होना चाहिए. ठीक है, आपको डेटा सफिशिएंट है, वो टॉपिक हैं जो आपके मेंस में पूछे जाएंगे, इसलिए आपको इनकी प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करते रहना है. डेटा सफिशिएंस के डेली आप 10 क्वेश्चन करेंगे, एक अर्थमेटिक और क्वांटिटी 1 और 2. इसके मिला के जैसे आपको मॉक टेस्ट मैं आपको पहले सोर्सेज ही बता देता हूँ. आप मॉक टेस्ट आपने जो परचेज़ किए होंगे, आप मॉक टेस्ट को सबमिट करेंगे. ठीक है, आप मॉक टेस्ट को एक मिनट गाइस, हाँ आप मॉक टेस्ट को सबमिट करेंगे, उससे जो क्वेश्चन है वो सारे करेंगे. तो अर्थमेटिक और क्वांटिटी 1 और 2 के जो एक मॉक टेस्ट एक सेट आपको डेली करना है. ठीक है, उसमें जितने भी एक मॉक टेस्ट में अर्थमेटिक और क्वांटिटी 1 और 2 के डेली जितने भी क्वेश्चन है वो आप एक दिन पूरे करेंगे. वो सारे आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन करेंगे डेली, अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन के आप 10 क्वेश्चन डेली करेंगे, सीरीज़ के 10 क्वेश्चन डेली करेंगे जिसमें से 5 रॉन्ग होगी, 5 मिसिंग होगी. ठीक है गाइस, एक मिनट, ओके ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया. आपको सोर्स बताते हैं वो करना कहाँ से, मॉक टेस्ट हमने बता दिया. उसके बाद भी अगर आपको कोई टॉपिक के नहीं मिले तो एक आपको गूगल करना PDF एग्ज़ाम पंडित, इस साइट पे आपको एक एक टॉपिक के बेस्ट जो भी लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है सारे मिल जाएंगे आपको, वो सॉल्व करने. ठीक है गाइस, तो ये रहा आपका डेली का टारगेट. ठीक है, उसके बाद आपको करने हैं, जब एक मंथ रह जाएगा तो आपको मॉक टेस्ट देने, फिर आपको एनालाइज करना है अपनी परफॉर्मेंस का. गाइस ये बेस्ट स्ट्रेटजी है, इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और कहीं पर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है. आप इसको डेली फॉलो करोगे जब तक पेपर है तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी. आने वाले पेपर SBI PO के लिए भी आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी. ये बेसिकली SBI क्लर्क और RBI असिस्टेंट मेंस की 2020 प्रिपरेशन के लिए. ठीक है गाइस, थैंक यू. अगर आपको वीडियो को पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. चैनल का नाम है आप जानते हैं दर्पण बैंकर्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू सो मच.